ये जो टेस्ट नंबर फोर हम करने लगे हैं इसके अंदर मैंने आपको एक बार चीज़ें फिर रिपीट कर दूं कि मैं क्या कह रहा था कि आपको लेवल्स अपने जो लेवल्स ऑफ डिफिकल्टीज हैं लेवल ऑफ कंफर्ट है वो आपको खुद डिफाइन करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं पहले सेंटेंस का एनालिसिस कर लें कि उस सेंटेंस के मीनिंग आपको अच्छी तरह पता चल गए हैं कि नहीं पता चले क्या वो सेंटेंस के अंदर कुछ कौन कौन सी टेक्निक थी जरा मेरे साथ दोहराइएगा मैंने पहले बात की सबसे पहले टेक्निक कौन सी थी क्या इसमें कोई कंट्रास्ट सिग्नल तो नहीं है इसमें कोई स्पोर्टिंग एलिमेंट्स मौजूद नहीं है इसके अंदर कोई डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है इसके अंदर कोई कंट्रास्ट वो कहते हैं रेफरेंट कॉन्टेक्स्ट तो मौजूद नहीं है कोई कॉमन सेंस वाली बात तो नहीं है ये सारी बातें आपने एट द सेम टाइम जो है ना वो अप्लाई करनी है ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड एक एक करके आपने फौरन अपनी अपनी अपने, अपने, अपने क्या कहते हैं कि टाइम इस तरह रखना आपने अपनी फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करनी है कि सेंटेंस पढ़ते जाएं और आप एनालिसिस करते जाएं अपना इसके बाद जो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो वर्ड आता है आपने खुद उसको चेक कर लें कि यहाँ पर यार ये वर्ड आना चाहिए क्योंकि कॉमन सेंस ये कह रही है कि बॉस जो है वो नाराज हो गया है और बहुत सा टेक्ट लगता है बहुत सी टेक्निक लगेगी उसको मजीद नाराज करने के लिए कॉमन सेंस नहीं बनती ना इसका मतलब कि उसको काम डाउन करने के लिए बड़ा पापड़ बेलने बढ़ेंगे तो काम डाउन करने के लिए आपके पास कौन सा वर्ड है अब अगर आपको वोकेबरी बहुत हाई है आपकी तो आप फौरन चल जाएंगे यार अपीज इसका मतलब होता है इसका मतलब पैसेफाई भी होता है इसका मतलब मॉलेफाई भी होता है इसका मतलब एसवेज भी होता है और काम डाउन भी होता है एट ईज भी होता है तो आपको सारे उसमें से कोई भी एक वर्ड होगा पैसेफाई होगा

अच्छा इसके बाद हमने देखा कि एग्जेस्ट्रेट अब एग्जेस्परेट का मतलब हमें आना चाहिए अब अगर आपको एक मतलब पता चल गया जैसे पैसिफाई मोलिफाइज और काम मतलब पता चल गया आपको आपको एक दफा इसका इंट्रोडक्शन हो गया तो ये आपको मीनिंग पता चले किस जैसे मर्जी पता चल गया तुक्का लगा लिया या किसी ने से बता दिया पता चल जाना बहुत बड़ी बात नहीं है उसको रिटेन रिटेन रिटेंशन रखना या रिटेन करना वो बहुत बड़ा काम है तो कैसे रिटेन करेंगे उसके लिए मैंने आपको एक एसोसिएशन टेक्निक बताई हुई है फटाफट फौरन से पहले आंखें बंद करें या अपने जहन के अंदर कोई ऐसा बंदा लेकर आए जो हमेशा पैसेफाई रहता है मॉलेफाई रहता है स्वेज और काम डाउन रहता है रिलैक्स रहता है कंपोज रहता है ठीक है ना अब अगर आप खुद हैं तो आपके यार मैं बहुत पैसिफाई रहता हूँ आपके कोई बहन भाई दोस्त आगे पीछे है तो नहीं यार ये बहुत बड़ा बहुत, बहुत कूल बंदा है यार अब ये कहते हो ना बड़ा कूल बंदा है तो यार आप अपने इसकी ये नहीं कह सकते बड़ा पैसिफाइड बंदा है यार बड़ा मॉलिफाइड है बड़ा है बड़ा है, है कामड है, यानी काम डाउन रहता है वो तो ये इसका आप एडजेक्टिव बना सकते हैं अच्छा अगर आप ऐसे नहीं हैं आप उसके बिल्कुल उल्ट आप जरा जरा सी बात पर तो गुस्सा चढ़ जाता है इसका मतलब फिर आप जो नहीं है, फिर आप क्या है, आप है। बिल्कुल उसका तो तो मतलब पीव्ड और जो ना इरेट अब इसके भी आपको मजीद वर्ड में आपको लिख देता हूं यहाँ पे देखें ईरेट आई आर ए टी इरेटेड पी डबल Wexed, ना वैड है पीव्ड है इरिटेटेड है एग्जेस्परेटेड है अब ये सारे वर्ड आपको जून जू आते जाएंगे ना इस टेक्निक के यार ये वर्ड इसके ये मीनिंग है तो अपने खाने में रखते जाएं जही से किसी आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा पता चले आपने कहना यार आप बड़े हो यार आप बहुत इरिटेटेड हो जाते हो बहुत जल्दी पीड हो जाते हो बहुत जल्दी वैक्ड हो जाते हो ठीक है ना ही कैन बी वैक्सड वेरी इजिली ही इरिटेटेड हो जाता है तो ये एक थोड़ी सी मेंटल बेटा जो ना, है ना प्रैक्टिस है जिससे आप हम सारी उम्र के लिए वर्ड याद कर सकते हो इन टाइस का मतलब जो है ना वो किसी को एलेवर करने के मानो में आता है एलेवर करना ए डबल एल यू आर ई एले करने के मनो में आता है एलियोर करना किसी को इंटाइस करना सबज बाग दिखाना जैसे अब अब इंटाइस का मतलब देखें फौरी तो आपको कभी जिंदगी नहीं भूलेगा कभी भी नहीं भूलेगा अगर आप मेरे साथ एसोसिएशन लिंक कर लें, बेटा आपको बुरे कामों में कौन उकसाता है आपका दोस्त दुख सत है नफ्स शैतान शैतान आपको इंटाइस करता है शैतान आपको एल्योर करता है शैतान आपको सबज बाग दिखाता है तो जैसे ही वर्ड इंटाइस का वर्ड आएगा शैतान का जेन मैं यार शैतान इंटाइस कर दिया मुझे मुझे मजबूर कर दिया उसने तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टेक टू इंटाइस हिम तो नहीं आएगा ना उसको शैतानी तो लगाएगा ये भी आ, आंसर नहीं मेरा बन सकता तो इसका मतलब यह है कि ये अगर हम देखें इनफ्यूरिएट बेटा एग्जैक्टली वही मतलब इनफ्यूरिएट का जो exasperate का है। तो एग्जैसपरिएट काट दोनों तो हो गए तो इसका तो मैं चाहिए नहीं था तो आंसर हमारा अतीस हो गया ये मैं आपको इसलिए डिटेल से बातें इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि आप ऐसे दस सेंटेंस डिटेल के साथ कर लें आपकी वकैबरी भी इंप्रूव हो रही है और आपकी लॉजिक भी इंप्रूव हो रही है कि यार कैसे अंडरस्टैंड करना है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू हीज नॉट अ चाइल्ड बट अड वुमेन बट आ गया बेटा जी कंट्रास्ट सिग्नल आ गया इसका मतलब है शी इज नॉट अ चाइल्ड अब वो बच्ची नहीं है अब वो क्या है वो बच्चा है अगर बच्ची नहीं है तो नहीं बच्ची तो नहीं बच्चा तो तो जी uh, तो शी इज नॉट अ चाइल्ड बट अ डैश वुमन शी कैन मेक हर ओन डिसीजन अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हम वो एक ऐसी औरत है जो अपने फैसले खुद कर सकती है तुम्हारे तो जहन में फॉरन ग्रोन अप का मतलब आता है हमने बचपन में सुना नाउ यू आर ग्रोन अप ठीक है ना यू कैन डिसाइड योर यूर आंसर तो मैं फरना ग्रोन अपने तो ग्रोन अप के लिए देखा अल्लाह करे अगर नीचे आपका आंसर लिखा हो ग्रोन अप तो फिर तो मजे ही मजे हो गए तो आपको डिफिकल्टी लेवल ही कोई नहीं है लेकिन अब वो क्या करेगा वो डिफिकल्टी लेवल कैसे चेंज करेगा ग्रोन अप के डिफिकल्ट जो है ना वो मुश्किल वर्ड दे देगा इसमें देखे सीजनल आ गया ठीक है एक सीजनड आ गया अब डिसाइसिव आ गया एक्सपीरियंसड आ गया लो मेरा बच्चा जी सारे ही आंसर सही बन रहे हैं सारे ही सही बन रहे हैं अब जिस बच्चे को इनका मीनिंग्स का क्लियर नहीं होता इनके शेड्स ऑफ मीनिंग नहीं आते वो कंफ्यूज होगा कि यार सीजनल भी वही होता है भी भी वही हो गया भी फैसला करने वाला होता है ठीक है ना तो अब मैं क्या करूं भाई ठीक है ये है वो डिफिकल्टी लेवल जिसको आपने मेरा बच्चा अंडरस्टैंड करना है कि आप, आपको इनके मीनिंग्स सेपरेटली आते हैं कि नहीं आते हैं ठीक है जी तो अब हम देखते हैं कि डिसाइसिव का मतलब होता है फैसला कुन फैसला कौन की चीज होती है फैसला कौन वोट होता है ठीक है ना जो पर्सन उसको डिसाइड जो जो पर्सन उसका फैसला करने वाला होता है वो डिसाइसिव नहीं होता उसका एक्शन डिसाइसिव होता है इसलिए यहाँ पे डिसाइसिव का तो ऑप्शन हमारा नहीं आ सकता वो तो निकल गया हमारे वैसे ही निकल गया अच्छा हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम बात करना चाह रहे हैं कि वो एक, एक जो है ना वो एक कैसा आदमी है जो चीजों को अच्छी तरह से डिसाइड कर सकता है तो एक्सपीरियंस्ड वुमेन वो होती है जो तजुर्बाकार औरत होती है जिसने बहुत से तजर्बे किए होते हैं उसको हम जो uh, है ना वो एक्सपीरियंस कहते हैं अब सीजनड जो है वो मेच्योर इंसान को कहते हैं सीजन मेच्योर हमें कहते हैं सीजनड पर्सन है ये इसका मतलब कि ये मेच्योर है ये चीजों को अंडरस्टैंड करता है एक्सपीरियंस वो होता है

लेकिन जो एक मेच्योर औरत होती है जिसको अपने अच्छे बुरे बुरे, का, बर, बुरे बले का पता होता है उसके लिए तो बिल्कुल ये हार्ड है लेकिन ये हार्ड क्यों मैंने दिया ये मैंने खुद सेट किया आप लोगों के लिए ये क्यों सेट किया है इसलिए कि आपको अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधे एक ही ऑप्शन लिखा होता सीजन लिखा होता ये एक्सपीरियंस लिखा होता तो फिर तो बात ही बंद, 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 बंद सबके लिए आसान था अब ये लेवल कहाँ पर आ गया देखो बेटा सौ बच्चे पेपर दे रहे हैं और सौ बच्चों के लिए मैंने एक लाइन एक सेंटेंस सेट कर दिया

के एक और देखें यहाँ पे एक और मजे की बात ये देखो एक बच्चे ने बड़े अच्छा गा, गा, इसका आंसर भी दिया है एक कितना अच्छी बात बताई है देखें आर्टिकल क्या लगा हुआ है ए तो आ एक्सपीरियंस तो होता ही नहीं है चलेगा एक्सपीरियंस आ भी सकता हो लेकिन ए एक्सपीरियंस नहीं होता एन एक्सपीरियंस होता है तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही स्ट्रक्चर से निकल गया इसलिए हमारा सीजेंड आंसर बन रहा है यू गेटिंग माइ पॉइंट लेवल चेक करो मेरा बच्चा कैसे कैसे चीजों को इम्प्रूव किया जा रहा है आप भी अपने आपको लेवल को इम्प्रूव करना है आप लोगों ने डिफिकल्टी लेवल को समझे क्या कर रहे हैं ये मैंने टेस्ट आपको बनाया ना बड़ी बेटा मेहनत के साथ बनाए हुए हैं ऐसे अन्य टेस्ट बनाए मैंने आपकी अच्छा ही डैश अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल अच्छा अब बताएं जी जरा हम कहते हैं जिसने टनल के एंड से लाइट को देख लिया अब टनल किसे कहते हैं सुरंग को कहते हैं तो सुरंग के अंदर से उसको एक सुरंग के एक साइड पे है तो उसको दूसरी किसी लाइट जो नजर आ रही है तो क्या क्या होगा फॉरसी होगा फॉरसी का मतलब आपको जब पता होना चाहिए प्रिसेज का मतलब आपने बड़ा सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है ग्लांस का मतलब व्यू देखना होता है और परसीव का मतलब भी होता है ठीक है अब ये है वो लेवल ऑफ अच्छा अब ग्लांस नहीं इसका आंसर आएगा बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया ग्लांस ग्लांस नहीं आएगा बेटा ग्लांस का मतलब निगाह उठा कर देखना होता है निगाह उठा कर देखने को जो ना ग्लांस कहते हैं विद वन ग्लांस ही कंकर्ड मी बस एक निगाह दिल बिलाना से उसने मुझे फतेह कर लिया ठीक है ना तो ये अः किसी वहां से हम लगता है कि यार लाइट मुझे नजर आ रही है मुझे नजर आ रही है लाइट तो उसके लिए बेटा हाँ शाबाशिरा बिल्कुल सही कहा आपने तो उसके लिए हम जो है ना परसीव का वर्ड यूज करते हैं बिल्कुल नहीं और ये जो है है कह रही बेटा नहीं आएगा का मतलब होता है हारबिंजर फॉरसी का मतलब होता है प्रोडिक्ट करना प्रोडिक्ट करने से मतलब ये होता है कि मैंने प्रोडिक्ट किया मैंने पेशगोई की कि यार ऐसी हो सकता है कि वहां पे लाइट हो लेकिन वो कहता है आई डैश अ लाइट एट द द एंड ऑफ टनल मुझे सुरंग के एंड में मुझे चीज नजर आ रही है मुझे लग रहा है ठीक है ना तो इसके लिए हम जो है वो ये perceived का वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो है वो perceived आएगा सर लाइट डालने के सेंस में यूज नहीं होगा नहीं नहीं बेटा नहीं आप ये नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। मैंने परसीव किया देखा कि यार मेरी लाइट आ रही है तो ये डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा अच्छा जी इसके बाद हम चल रहे हैं बड़े बड़े तेजी से आपके आंसर वो आ रहे हैं मेरे। oh lordy, की करें, तो तेज ना बने आप आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है स्पलैंडर वहां पे कॉमन सेंस है बेटर ये आप देखें क्या कॉमन इसमें कौन सा कॉमन सेंस दे रहा है आपको ड्रेस दिया हुआ भाई अगर ड्रेस दिया हुआ है और उसने नैरो के अंदर अपनी फिगर को शो किया है तो कॉमन सेंस की बात अब मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैंने कोई आयरन ही तो नहीं करे ना यहाँ पे सिंपल बात है कि उसका ड्रेस अगर नैरो है तो उसकी बॉडी भी क्या होगी थिन होगी थिन होगी स्लेंडर होगी तो सिलेंडर का ऑप्शन पे ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है अच्छा हेफ्टी का मतलब हैवी होता है बल्कि का मतलब हैवी होता होता है है रोबस्ट का मतलब भी मोटा ताज़ा अगर हम चले कि यार नहीं वो कह रहा है कि लिबास उसने तंग पहना हुआ है लेकिन जिसम उसका बहुत भारी था तो फिर तो हेफ्टी भी ठीक बन रहा है बल्कि भी बन रहा है रॉबर्स भी बन रहा है तो हमें कॉमन सेंस ही कहता है कि नहीं यार तीनों आंसर नहीं हो सकते सिलेंडर ही हमारा आंसर होगा तो ये आपने जो

को एंजॉय करने को कहते हैं बेटा इंजॉय करने कहते हैं तो इंजॉय करने के लिए एक टिपिकल वर्ड है टिपिकल कैबरी का वर्ड है तो इसके लिए बास्किंग का वर्ड यूज होता है सन यूज करते हैं तो बर्निंग का मतलब नहीं होता कि वो सूरज के अंदर जल रहा हो नहीं ये नहीं होता हम इसके लिए यूज नहीं करते उसको ठीक है मुना बेटा बिल्कुल सही कह दिया आपने हम जब बेटा स्वेल्टरिंग का मतलब स्वेल्टरिंग और जो है ना स्कॉचिंग स्क्रॉच सॉरी वर्ड लिखना था मैंने ये ये स्क्रॉचिंग 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 लिखना था लिख दिया हुआ है स्क्रॉच का मतलब भी जोड़ना होता है तो ये ना स्क्रॉचिंग होगा ना स्वेल्टरिंग और बर्निंग का मतलब होता है जल जाना तो आप सूरज बाहर आजकल बड़ी ठीक ठाक धूप निकली हुई है जरा जाके बाहर बैठे एंजॉय करेंगे उसको आप कि जी मैं सूरज की गर्मी में बैठ के बड़ा इंजॉय कर रहा था तो इसलिए स्वेल्टरिंग नहीं होगा ना ही बर्निंग होगा तो आंसर क्या होगा बास्किंग होगा हाँ जी ये ना कैसा मैसेज आया अभी आपने मेरी लगता है आपने बात को नहीं सुना हुआ था सर सेकंड में एन होता तो सीजन और एक्सपीरियंस दोनों ऑप्शन होते तो एक्सपीरियंसड होना था ना नहीं बेटा नहीं फिर भी सीजनड होना था सीजन ज़्यादा बेहतर से ऑप्शन बनता बेहतर होता है वो सीजन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बना था फिर भी सीजन बेहतर ठीक है बेटा ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं मज़ा आ रहा होगा आपको ये ऐसी चीज़ें जारी बात आपने पहले से नहीं पढ़ी हैं बिल्कुल नई चीज़ें आप लोगों के लिए तो अब मजीद चलते हैं ये